रूबीना ठाकुर ने राज्य स्तरीय कथक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर सोलन का नाम समूचे प्रदेश में रोशन कर दिया है, जिसके वजह से समूचे सोलन में खुशी की लहर देखी जा रही है। आज के समय में युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, लेकिन रूबीना जैसे युवा भी हैं जो हमारी संस्कृति को न केवल जिंदा रखे हुए हैं बल्कि वह इस कला में महारत हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। रूबीना ने पहले ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर पहला स्थान कथक में हासिल किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता सोलन में आयोजित की गई थी, उसके बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रूबीना ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह जानकारी युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रशिक्षक अधिकारी तपेंद्र वर्मा ने मीडिया को दी। अधिकारी तपेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रूबीना ठाकुर ने राज्य स्तरीय कथक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब रूबीना राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के लिए यह काफी हर्ष का विषय है कि उनके जिला से रूबीना ने प्रथम स्थान हासिल किया है और अब वह प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने बताया कि रूबीना अर्की की रहने वाली हैं और वह कथक में कड़ी मेहनत कर इस नृत्य में पारंगत हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता कुल्लू में आयोजित की गई थी, जिसका समापन 30 दिसंबर को हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता में तबले में कंडाघाट के अनुराग तनवर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। मेरा नाम भूपिंदर वर्मा है, मैं टेबल टेनिस प्रशिक्षक हूँ युवा सेवा खेल विभाग सोलन में। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसके विजेता हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए धर्मशाला गए हुए थे, जो कि 28 से 30 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें हमारे जिले का नाम जो है रूबीना ठाकुर है, कथक में उन्होंने रोशन किया है। लास्ट ईयर भी वो प्रथम रही थी और इस बार फिर वो प्रथम रही है कथक में। रूबीना शर्मा अर्की से बिलोंग करती है, रूबीना ठाकुर अर्की से बिलोंग करती हैं। प्रतिस्पर्धाओं में हारमोनियम है, तबला वादन था, फोक सॉन्ग, फोक डांस, ये सारी प्रतियोगिताएं थी और इसमें जो तबला वादन में है, तबला वादन में भी हमारे कंडाघाट से एक पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे फर्स्ट आए थे वो वहाँ पे सेकंड पोजीशन रही है उनकी भी, अनुराग तनवर। हाँ, इसके बाद जो प्रथम पोजीशन वाले जो हैं रूबीना ठाकुर जो हैं ये नेशनल के लिए जाएंगे। अभी नेशनल्स की डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई, बहुत बहुत गर्व की बात है कि रूबीना ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं और नववर्ष की सभी को जिला युवा सेवा खेल विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई।